अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तो घर को के आज मार्केट का बाबू था। तो घर को के आज मार्केट का बाबू था। अरे लो थोड़ा पास घुमा दो भैया इसको। लो तुम भी कर ये हाथ खा ले लो है ना। हाँ ये क्या हो गया क्या चावल कैसा क्या है बढ़िया है बासमती चावल की चूरी पीछे लाओ थोड़ा सा। चलो रस्सी भी है क्या ना मुंह बांध ला रस्सी भी बताए। दो गाड़ियां चावल की बनी क्या कुछ पूरा मामला था कहां से कहां जा रही थी गाड़ियां। सुबह पीआई साहब औद्योगिक थाना क्षेत्र द्वारा सूचना दी गई थी कि दो गाड़ियों में चावल है उसकी जांच करके रिपोर्ट बताएं चावल कौन सा है। तो चूंकि मैं ऑफिशियल काम से बाहर गया हुआ था हाईकोर्ट गया लौट के आने पर वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाकर औद्योगिक थाना क्षेत्र पर उपस्थित हुआ। आप लोगों के समक्ष में चावल को खोल कर देखा गया। चावल प्रथम दृष्टया उच्च गुणवत्ता का बासमती चावल पाया गया। इसको उसके सैंपल देखने के लिए लिए गए। चावल के बिल भी पाए गए हैं जो गाड़ी नंबर PV10J3327 जो है इसमें चावल की कनकी रखी हुई है जो बारीक होती है बासमती चावल की कनकी है वो पाई गई। उसके बिल भी पाए गए वो भी चेक कर लिया। और एक और गाड़ी है NL क्या है NL01AG3361 गाड़ी है उसमें 500 क्विंटल चावल है। बड़ा साफ सुथरा और अच्छा चावल है बासमती चावल है पैकिंग में है मिल से भराया हुआ है। वो दोनों गाड़ियों के कागज देख लिए जांच कर ली क्योंकि ये उक्त चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय नहीं किया जाता है। इस कारण संबंधित चावल को हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है व्यापार फ्री है तो कहीं भी कोई भी व्यापारी चावल को ट्रांसपोर्ट परिवहन कर सकता है। कहाँ से कहाँ जा रहा है एक चावल जा रहा है इनका दोनों एक ही जगह जा रहे हैं एक अब्दुल्लागंज एक जो भराया गया है ये भराया है रावटी रमन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड सोनाटी अब्दुल्लागंज। ये जा रहा है क्या चाह रहे हैं देखना रहा दिखता नहीं मेरे को पीडीएस का चावल नहीं है। आप लोगों के सामने ही जांच की है आप लोगों को क्योंकि आप लोग भी चावल का उपयोग करते हैं
चावल की परख आपको भी है उतनी ही परख है, तो चावल पीडीएस का नहीं है। भोपाल से गुजरात जा रहे हैं, एक अब्दुल लागवन से, एक भोपाल से। आपका नाम बताइए। मैं बी एस राय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, देवास।